बर्फ ले लो बर्फ, ताजी ताजी गर्मा गर्म ठंडी ठंडी बर्फ, पूरी की पूरी 2 किलो है ये बर्फ। तो है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं V4 वीडियोस, और यहाँ पे मैं कुछ बर्फ नहीं बेचने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको इन बोतल की टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास 4 तरीके की बोतल्स, जिनमें की है 2 मिल्टन्स की, 2 है 3 मिल्टन्स की और 1 सिलो की, और मैं क्या करूँगा इन तीनों में, इन चारों में भर दूंगा बर्फ और देखूंगा कि हमारी बर्फ कितने सालों बाद पिघलेगी। अब सालों का तो पता नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि कई दिनों तक इसमें बर्फ नहीं पिघलेगी। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए पहले कि कितने दिनों तक हो सकता है इसमें बर्फ ना पिघले। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कोई बात नहीं, आप लोग बस वीडियो देखिए, आपको मालूम चल जाएगा कि कितने दिनों तक इसमें बर्फ नहीं पिघली थी। तो मैंने 4 बोतलों में एकदम उसके गले तक की बर्फ को भर दिया। तो ये देख लीजिए कितना कचरा हो गया यहाँ पे बर्फ भरते भरते। ये ऊपर तक की फूल, ये भी ऊपर तक की फूल, जूम करके दिखा दूँ, ये भी ऊपर तक की फूल, ये भी ऊपर तक की फूल, और ये तो थी ही फूल। तो आज की जो डेट है मैं आपको दिखा देता हूँ, आज है 12 फरवरी मंगलवार, सुबह के 11 बज रहे हैं, और आज ये बोतल की टेस्टिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, याद रखिएगा 12 फरवरी दिन मंगलवार। तो अभी हम मिलते हैं कुछ दिनों बाद। तो आज है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 16 फरवरी दिन शनिवार, यानी कि पूरे पूरे 4 दिन बीत चुके हैं, या फिर कह लो कि 96 घंटे बीत चुके हैं। और देखता हूँ कि बोतल में बर्फ की क्या हाल हुई है। ये है मिल्टन की फिलिप लिक 500 ml, और यहाँ पे दूसरी है मेरे पास मिल्टन की डुओ डीएलएक्स 500 ml। तो इसमें ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत बर्फ नज़र आ रही है। ये चलिए पानी को ना के देखते हैं इस कटोरे में, और यहाँ पे हमें कमाल हो गया, थोड़ी सी बर्फ देखने को मिल गई। यानी कि पूरे 4 दिनों बाद भी मिल्टन के डुओ डीएलएक्स में थोड़ी बर्फ अभी भी जमी थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें छोटी वाली बोतल्स में 4 दिन तक की बर्फ जमी रह सकती हैं, और फ्लिप लिक में देखते हैं इसमें कोई भी बर्फ नहीं जमी है। तो यहाँ पे साफ साफ विनर हुई मिल्टन की ही डुओ डीएलएक्स, जो कि थोड़े ही मार्जिन से जीत गई। जबकि यहाँ पे डुओ डीएलएक्स बर्फ रखने के लिए नहीं बनाई गई है, लेकिन फिर भी ये थोड़े मार्जिन से आगे निकल गई। बर्फ तो इसमें ही रखी जा सकती है क्योंकि इसका मुँह चौड़ा है, और वहाँ पर हमारी दोनों बड़ी बोतल अभी भी रखी हुई हैं क्योंकि उसमें अभी भी बर्फ नहीं पिघली हुई है। तो मैं मिलूँगा कुछ और दिनों बाद। तो आज है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं अभी नहीं दिखाऊंगा, मैं अभी दिखाऊंगा वीडियो के बाद में, ताकि आपको लास्ट में मालूम चले कि कितने दिन बीत चुके हैं। तो चलिए मैं मिल्टन की 1 लीटर वाली बोतल से पानी निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे जरा सी भी बर्फ नहीं बची, यानी कि सारी की सारी बर्फ पिघल गई है। और इसके पानी का टेम्परेचर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कितना है, 5.5 डिग्री सेल्सियस इसके पानी का टेम्परेचर है। तो अगर आपको वीडियो में दिखाई गई कोई भी चीज़, जैसे कि ये थर्मामीटर या बोतल खरीदना है, आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे जाके खरीद सकते हैं, मैंने सबकी लिंक दे दी है। तो अभी बची है हमारी सेलो की बोतल, और देखता हूँ उसमें बर्फ है कि नहीं। जी हाँ, इसमें बर्फ थोड़ी सी बची है, कमाल हो गया, एकदम बहुत कमाल हो गया, क्योंकि आज बहुत दिन हो गए हैं इस एक्सपेरिमेंट को, इस टेस्टिंग को स्टार्ट किए हुए, और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सी बर्फ अभी भी बची हुई है। तो चलिए फाइनली अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज कितनी तारीख है। उससे पहले यहाँ पे थर्मामीटर चेक कर देता हूँ, ताकि इसके पानी का टेम्परेचर की रीडिंग भी आ जाए। तो आज है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आज है, अरे 18 फरवरी, दोपहर के 2 बज रहे हैं, मतलब कि पूरे के पूरे 6 दिन बीत चुके हैं, और अभी भी हमारी सेलो की इस बोतल में बर्फ जमी हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात थी, जबकि मिल्टन थोड़े ही मार्जिन से पीछे रह गई। और यहाँ पे इसका टेम्परेचर है पानी का लगभग 2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि सेलो की बहुत अच्छी है, मिल्टन की ख़राब है, दोनों बोतल एक जैसी हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैंने और भी कई सारे टेस्टिंग वीडियोज़ बनाए हैं, जिसपे कई मामलों में मिल्टन भी आगे गई है, और इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना ही था कि ये दिखाना कि इन बोतलों में कितने दिनों तक बर्फ नहीं पिघलती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना।